अमेठी में बारिश के चलते जर्जर मकान गिरा, मलबे में दबकर चार लोग गंभीर रूप से घायल। यह मामला जगदीशपुर थाना के खोपुर गांव का। ललितपुर के नथीखेड़ा गांव में भारी बारिश से 22 कच्चे मकान धराशाही हुए, राजस्व कर्मियों ने मौका का मुआयना किया। उन्नाव में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। गंगा उफान पर होने से सैकड़ों गांव में बाढ़ आ गई है। प्रशासनिक व्यवस्था न मिलने से ग्रामीण नाराज है। ललितपुर के ककराड़ी गांव में बारिश के पानी से लोग बेहाल हैं। किसान मदद के लिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन एसडीएम बंगले का नहीं छोड़ पा रहे हुआ। मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर माजिद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब हो गया। बदमाश पर गौकशी समेत तमाम मुकदमे दर्ज। मेरठ में राजकीय बाल गृह में बच्चे के यौन शोषण का मामले में प्रशासनिक पुलिस ने मिलकर मुकदमे में खेल कर दिया है। पीड़ित के 14 साल के साथी को केस का वादी बनाया। सिर्फ 34 शब्दों की तहरीर पर FIR दर्ज की गई। इलाहाबाद में रिटायर्ड दरोगा की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हिस्ट्री शीटर बेटों के साथ लाठी डंडे बरसाते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये मामला। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली में बदमाशों ने मेरठ से जिला पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार 2 बदमाश हत्या करके फरार हो गए। यह घटना दिल्ली के जामिया के बटला हाउस की है। बरेली में जन्माष्टमी को लेकर शोभा यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी ने पुलिस प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। डॉक्टर श्याम बिहारी का आरोप है पुलिस प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा। पीलीभीत में जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित एक भंडारे में खाने की वजह से लगभग 3 दर्जन लोग बीमार हो गए। उनमें से 2 दर्जन बच्चों की हालत गंभीर, 18 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कन्नौज के बगिया इलाके में बुखार से पीड़ित बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। हादसे के बाद से डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। सोनभद्र में ट्रक की केबिन में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रक की केबिन में सो रहे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बिजनौर में तेजी से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी की मौके पर मौत। घटना को अंजाम देकर ट्रक चालक फरार। नाराज परिजनों ने शव रखकर जाम लगाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कन्नौज में छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटकता हुआ बरामद हुआ। परिजनों ने बताया कि छात्र कुछ दिन से परेशान था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाराणसी में एक गधे ने करीब 1 दर्जन लोगों को काटकर घायल कर दिया। घायलों को इलाज मंडी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने गधे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कानपुर देहात में शॉर्ट सर्किट के चलते बाइक में आग लग गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह घटना रसूलाबाद थाना क्षेत्र के कहिंजरी TVS एजेंसी के पास की है। महाराजगंज जिले में पिछले कई सालों से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन ढोल निकालने को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव हो गया। आज फिर से दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। गाजियाबाद में 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर जमकर पथराव हुआ। पथराव के दौरान कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आईं। सोनभद्र में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर कुछ लोगों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लोग मारपीट पर बारी हो गए। फरुखाबाद में तहसीलदार ने नाबालिग बच्चों से बाल मजदूरी कराई। तहसीलदार अमृतपुर के नाबालिग बच्चों से बाढ़ राहत सामग्री ट्रैक्टर पर लोड करा रहे थे। ललितपुर में ट्रेन की एसी बोगी में बोरे में युवक का शव बरामद हुआ। यात्रियों की सूचना पर ट्रेन को ललितपुर स्टेशन पर रोका गया और उसके बाद GRP ने शव को नीचे उतारा। चित्रकूट में बनाई रेलवे स्टेशन के आउटर पर गंगा कावेरी एक्सप्रेस ट्रेन में हथियारबंद बदमाशों ने 6 बोगियों में लूटपाट की और विरोध करने पर यात्रियों को जमकर पीटा। बाराबंकी में एक ही परिवार ने अपने बच्चे की रखवाली के लिए सब कुछ एक परिवार ने छोड़ दिया। बच्चे का स्कूल जाना तक बंद कर दिया है। अब पुलिस से मदद की गुहार लगाई जा रही है। दरअसल रिश्तेदार ही किसी तांत्रिक बाबा के अंधविश्वास के जाल में फंसकर उसकी बलि देने की कोशिश में लगे।
गोंडा में रविंद्र सिंह महाविद्यालय में बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र के प्रवेश पत्र पर अमिताभ बच्चन की फोटो लगा दी गई। अमित दुबे नाम के छात्र से प्रवेश पत्र पर अमिताभ बच्चन की फोटो लगी मिली है। प्रवेश पत्र बनाते समय फोटो अपलोडिंग में गड़बड़ी हुई। लखीमपुर खीरी में एम्बुलेंस सेवा का हाल बेहाल है। एम्बुलेंस से जुड़ा वीडियो सामने आया जिसमें वंचित हुए एम्बुलेंस को कुछ लोग धक्का मारते हुए नजर आए। मिर्जापुर में सुपरस्टार अभिनेता गोविंदा ने पत्नी के साथ मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर गोविंदा ने कहा कि कलाकारों पर मां की विशेष कृपा है। मथुरा में पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। कृष्ण जन्म स्थान पर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी रास लीला देखने में व्यस्त नजर आए, तभी एक आवारा कुत्ता पुलिसकर्मियों के बीच होते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में घुस गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के वक्त सल्की फायर किया जाता है, लेकिन सल्की फायरिंग के दौरान पुलिस के जवानों ने लाख कोशिश की लेकिन जंग लगे हथियारों से फायरिंग नहीं हो पाई। फैजाबाद के अयोध्या में भक्तिमय माहौल में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव पर राम नगरी में झांकियों और जागरण कर जन्मोत्सव मनाया गया। कासगंज में जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। एक तरफ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। संत कबीर नगर में पुलिस लाइन में बाल गोपाल के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए।